देखो बच्चे बेटा, ऐसा है कि लिखा बुक्स में सब कुछ है, मैं आपको क्लियर कर दूं कि हर बुक में, चाहे आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, रेफरेंस बुक पढ़ लीजिए, किसी टीचर से पढ़ लीजिए, सब में सब कुछ लिखा है। आप मेरे पास हैं कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, ठीक है ना बेटा। तो हमारा पूरा फोकस जो है वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर होना चाहिए, क्योंकि हम किताबों में सब लिखा हुआ है उसे समझने के लिए यहां पर आए। कई बच्चों को लगता है कि नोट्स बनाने के लिए हम यहां पर आए हैं, या हमको सर वर्ड, देखो बेटा सिंपल सी बात है कि कई बच्चों को लगता है बहुत जल्दी जल्दी सर कर दो कोर्स पूरा, है ना, उनका हो गया इनका हो गया। मत कंपेयर कीजिए, बायोमेंटर्स इज अ वेरी सीरियस टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट, बहुत सीरियस है बायोमेंटर। आप शेड्यूल को लेके देख लीजिए, किसके सिस्टम को लेके देख लीजिए, तो यहाँ पे रेंडमाइज कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ एकदम कमांडो ट्रेनिंग आर्मी के समान डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए ये पूरा इंस्टीट्यूट चलता है। यहाँ पर हर चीज जो है वो एकदम वेल ऑर्गेनाइज वे में, आपकी खुशी के लिए नहीं पढ़ा रहे हम आपके सिलेक्शन के लिए पढ़ा रहे हैं। आप खुश होइए या दुखी होइए, हमें फर्क नहीं पड़ता, पर आप सिलेक्ट नहीं होते हैं तो हमें बहुत फर्क पड़ता है। आपका सिलेक्शन हमारा सबसे बड़ा मोटो है, सबसे बड़ा हमारा जो है ख्वाब है, हमारी ख्वाहिश है, हमारी चाह है कि आप सिलेक्ट हो, ठीक है। आप खुश हो, मैं आपसे फंकी फंकी बातें कर लूं, मोटी मजे मजे की बातें कर लूं, ठीक है, आपसे मैं जो है वो चिटचैट कर लूं, आपसे मैं के आपसे मैं बहुत सारी लड़का लड़की वाली बातें कर लूं, आपसे बहुत सारी मनोरंजक बातें कर लूं, उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब इस बात का है कि वो बातें होना चाहिए जो हमारे व्यक्तित्व को निखार दें, वो बातें होना चाहिए जो हमारी आत्मा के अंदर के तार को हिला दें, वो बातें होना चाहिए जो सिलेक्शन एग्जाम में सिलेक्शन दिला दें। बाकी सब तो मिथ्या है, सिर्फ कुछ नहीं है, ठीक है ना। डोंट गेट इन ट्रैप ऑफ दी इंटरटेनमेंट, क्योंकि ये एजुकेशन है, ये इंटरटेनमेंट नहीं, के यहां पर शिक्षा और सजा बहुत थोड़ा सा फर्क है प्रोनाउंसिएशन में। शिक्षा सजा, थोड़ी सजा है थोड़ा मजा है, और जो आउटकम दे दे वही सजा या वही मजा शिक्षा है, जो आउटकम दे दे आपको, जो आउटकम नहीं दे रहा है वो किसी काम का नहीं है, ठीक है। चलिए तो समझा करो बात को इसलिए, ठीक है ना, ठीक है, दिल से बात कहता हूं जो कहता हूं मैं, ठीक है। आप किसी को सेव कर सको, किसी को बचा सको, आप ईश्वर करे आपको इतना ताकत दे ईश्वर कि आप बुरी से बुरी परिस्थिति में भी व्यक्ति का साथ दे सके, आपको ईश्वर इतना इतना जो है वो हुनर दे कि आप किसी की जान को बचा सके, आप लड़ सके जीवन और मृत्यु के बीच में, आप अपनी तलवार लड़ा सके, ये आ गया मैं योद्धा, कैसे तुम लेके जाओगे इसको, देखो जरा, ऐसा आदमी बनना बेटा, ठीक है ना। चलिए, इसीलिए मैं बोलता हूं, गुस्सा में होता हूं इसीलिए कि भैया पढ़ने का कोई बहाना मत ढूंढिए, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, जाने कितने लोग हैं जिनकी लाइफ को आप बचा सकते हैं, इसलिए पढ़िए।